उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चांद हमेशा से इंसान के लिए एक ड्रीम लैंड रहा है। रात को अगर आप खुले आसमान के नीचे खड़े हों तो यकीनन आप चांद को देखकर वहां जाने की ख्वाहिश करेंगे। ये सिर्फ आपकी ख्वाहिश नहीं है बल्कि आज से अरबों खरबों साल पहले के इंसान की ख्वाहिश भी यही थी। यही वो ख्वाहिश थी जिसको पूरा करने के लिए नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा, और यही वो ख्वाहिश थी जो आज के दौर में भी इंसान को चांद पर नई दरियाफ्तें करने पर उकसाती है। लेकिन शायद आपको ये जानकर शदीद हैरत होगी कि एक मुल्क ऐसा भी है जो चांद को जमीन पर लाने की तैयारियों में मसरूफ है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, तो जी हाँ, ऐसा हो नहीं सकता बल्कि होने जा रहा है। दुनिया का एक ऐसा तरक्की याफ्ता और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क चांद को अपने मुल्क में लाने के लिए अपने मंसूबे का आगाज कर चुका है। अब आपको नील आर्मस्ट्रांग की तरह चांद पर जाने के लिए किसी खलाई शटल या स्पेस क्राफ्ट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अब आप हवाई जहाज से दुबई जाकर चांद की सैर कर सकते हैं। दुबई वो तरक्की याफ्ता मुल्क है जो अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर चांद को जमीन पर लाने के मंसूबे का आगाज कर चुका है। अगर आप इस अनोखे और मुनफरिद मंसूबे के बारे में जानना चाहते हैं जिस पर बिलियन डॉलर्स खर्च होने जा रहे हैं, तो इसके लिए यकीनन आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना पड़ेगा। नाज़रीन, जब दुबई की जानिब से पहली दफा ये खबर मंज़रेआम पर आई कि दुबई चांद को अपने मुल्क लाना चाहता है और अब चांद पर जाने की ख्वाहिश रखने वाले लोग दुबई जाकर अपनी ये ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, तो लोगों को सुनकर एक शॉक लगा, क्योंकि ये एक इंतहाई अजीबोगरीब खबर थी। लोगों की एक बड़ी तादाद ये खबर सुनकर हैरान जरूर हुई, लेकिन कहीं भी इस खबर के नशर होने के बाद फौरी तौर पर बिना कुछ जाने इसकी तरदीद नहीं की गई। इसकी वजह यह थी कि यह खबर दुबई के बारे में दी जा रही थी, और हर कोई इस हकीकत से बड़ी अच्छी तरह आगाह है कि माजी में दुबई नामुमकिन को मुमकिन करता हुआ दिखाई देता रहा है। नाज़रीन, दुबई जो आज से सिर्फ 30 साल पहले कभी एक खुश्क बंजर और रेतला सहरा होता था, वही दुबई जिसके पास ना तो पीने के लिए पानी मौजूद था और ना ही ऐसी जमीन जिस पर खाने की कोई चीज उगाई जा सके, वही दुबई जिसकी मईशत को मजबूत करने के लिए ना तो वहाँ गोल्ड था और ना ही तेल और ना ही अल्लाह की अता करदा दीगर मादनियात। अगर कोई चीज थी तो वो थी अकल और शऊर, और यही वो अल्लाह की अता करदा नेमतें थीं जिनकी बिना पर आज दुबई दुनिया का जदीद तरीन और अमीर तरीन शहर बन चुका है। इस वक्त दुबई में दुनिया के बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मौजूद है। दुनिया का ये खूबसूरत तरीन शहर अजीबो गरीब और मुनफरिद पानी पर बनाए जाने वाले जजीरे, बुर्ज खलीफा जैसी अनोखी इमारत, दुनिया का वाहिद 7-स्टार होटल बुर्जुल अरब और दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल रखने वाला शहर है। लेकिन इस तमाम इंफरादियत के बावजूद दुबई का मौजूदा मून रिजॉर्ट प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में दुबई का सबसे बड़ा और हैरत अंगेज प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुबई की इकोनॉमी का इनसार टूरिज्म पर है, क्योंकि दुबई के पास इकोनॉमी के और कोई जराए मौजूद नहीं है, और यही वो वायद जरिया था जिसे बुनियाद बनाकर दुबई ने अपने आप को इस मकाम तक पहुंचाया। और अपनी इस इंफरादियत को कायम रखने के लिए दुबई आए दिन ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करता हुआ दिखाई देता रहता है। मून रिजॉर्ट प्रोजेक्ट ने इस वक्त दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच ली है, और असल में इस प्रोजेक्ट के पीछे यही मकसद कार फरमा था कि इसके मुकम्मल होने पर तमाम दुनिया के टूरिस्ट की तवज्जो दुबई की तरफ मबजूल की जाए और इन्हें इस तरफ आने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर यह प्रोजेक्ट अपनी इंफरादियत की वजह से अपने काम के आगाज पर ही तमाम दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने में कामयाब हो चुका है। इस प्रोजेक्ट की तकमील का काम एक कैनेडियन कंपनी मून वर्ल्ड रिजॉर्ट को दिया गया है। चांद की शक्ल की तरह बनाई जाने वाली ये इमारत ना सिर्फ जाहिरी तौर पर चांद की तरह होगी बल्कि सयाहों को मुकम्मल तौर पर खला का माहौल फराहम किया जाएगा। इसके मुख्तलिफ हिस्सों में जाने के लिए किसी लिफ्ट या गाड़ी या इलेक्ट्रिक ट्रेन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि मून रिजॉर्ट में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खास किस्म की खलाई शटल्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि खसूसी तौर पर इस मून रिजॉर्ट के लिए तैयार की जाएंगी, और इनकी शक्लो सूरत और टेक्नोलॉजी स्पेस शटल की तरह ही रखी जाएगी। मून रिजॉर्ट असल में 5 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से का नाम लोअर डिस्क रखा गया है। लोअर डिस्क रिजॉर्ट का सबसे अहम और बुनियादी हिस्सा है। इस हिस्से पर रिजॉर्ट के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिसार होगा। पूरे रिजॉर्ट को चलाने के लिए तमाम रिसोर्सेज इसी हिस्से पर बनाए जाएंगे। दूसरे हिस्से को मिडल डिस्क का नाम दिया गया है, जहां खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट्स, एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर, रिहायश के लिए होटल और लाउंज वगैरह बनाए जाएंगे। इसके ऊपर तीसरा हिस्सा बनाया जाएगा, जिसे थर्ड डिस्क या अपर डिस्क का नाम दिया जाएगा। इस हिस्से पर नाइट क्लब्स,
ग्लोबल मीटिंग्स, शटल स्टेशंस, बिजनेस प्लान्स और बिजनेस लॉबीज बनाई जाएंगी। इसके ऊपर एक और हिस्सा बनाया जाएगा जिसे अपर डिस्क टेरेस का नाम दिया जाएगा। इस हिस्से पर बीच क्लब, पार्क, स्टेडियम, स्विमिंग पूल्स, थिएटर्स और एंटरटेनमेंट की दूसरी प्लेसेस बनाई जाएंगी। इसके अलावा इस रिजोर्ट के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक कॉलोनी बनाई जाएगी जिस पर खूबसूरत और जदीद तरीन विलास बनाए जाएंगे। सबसे अहम और खास चीज जो इस प्रोजेक्ट को मुनफरिद और काबिले दीद बनाएगी वो ये है कि इसको बाहर से इस तरीके से बनाया जाएगा कि इसकी शक्ल बिल्कुल चांद की तरह होगी। रात को खास किस्म की लाइटिंग से इस रिजॉर्ट को इसी तरह रोशन किया जाएगा कि ऐसा महसूस होगा कि जैसे चांद जमीन पर उतर आया है और आपका मुंतजर है। जमीन पर उतरने वाले इस चांद की लंबाई 750 फुट और इसका डायामीटर 650 फुट होगा और इसका मुकम्मल एरिया 55,000 मुरब्बा फीट पर मुश्तमिल होगा। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल होने में 4 साल का अरसा दरकार है। ये एक ऐसा शानदार मेगा प्रोजेक्ट है जिस पर $5 अरब का खर्चा आएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि ये मिडल ईस्ट और अफ्रीका रीजन का सबसे मुनफरिद और शानदार प्रोजेक्ट साबित होने वाला है। ये एक ऐसा हैरत अंगेज मंसूबा होगा जो तमाम दुनिया से सयाहों को दुबई लाएगा। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हर साल इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए 1 करोड़ से ज्यादा सयाह दुबई आएंगे और हर साल ये प्रोजेक्ट दुबई की हकूमत को $2 अरब जनरेट करके देगा। दुबई की हकूमत का ख्याल है कि इस प्रोजेक्ट से दुबई के टूरिज्म को 2 गुना तक बढ़ाने में मदद मिलेगी। दुबई में एक बड़ी तादाद में सयाह न सिर्फ इस बिल्डिंग को देखने के लिए आएंगे बल्कि इसमें मौजूद तफरी के ऐसे बहुत सारे मौके भी बहुत अहमियत रखते हैं जो आने वाले वक्तों में सयाहों की खसूसी तवज्जो का बायस बनेंगे। इस बिल्डिंग को बनाते वक्त खास तौर पर तफरी के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखा गया है। तफरी के मौके फ्राहम करके जहाँ दुबई बेहतरीन जरे मुबादला कमाएगा तो दूसरी तरफ शॉपिंग मॉल्स बनाकर बहुत सी ऐसी मसनूआत फरोख्त करेगा जिनकी फरोख्त के लिए दुबई को एक बेहतरीन बिजनेस मार्केट के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें बनाए गए बहुत से होटल्स और रेस्टोरेंट्स के जरिए जरे मुबादला हासिल किया जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि सिर्फ इस एक प्रोजेक्ट की मदद से दुबई अपनी इंफ्रादियत कायम रखने के साथ साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट को बनाने में कामयाब हो जाएगा जो दुबई को एक मजबूत इनकम जनरेट पॉइंट मुहैया करेगा जिसकी इनकम से इसकी आने वाली नस्लें तक फायदा उठाएंगी। अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि दुबई की हकूमत ने सिर्फ 30 साल के अरसे में दुबई को इस मकाम तक पहुँचा दिया जहाँ पहुँचना किसी भी हकूमत का ख्वाब होता है। इस सारे अरसे में ना तो हमें दुबई की हकूमत अपने महदूद वसाइल का रोना रोती हुई दिखाई दी और ना ही अपना कशकौल लेकर IMF के पास कर्ज मांगती हुई दिखी और ना ही इसने दुनिया के सामने बेचारगी का लिबादा पहन कर कहा कि हमारे पास ना तो तेल है और ना ही सोना। बल्कि अगर देखा जाए तो दुबई के पास तो अपने लिए पीने के लिए पानी तक मौजूद नहीं था। हम खिराज तहसीन पेश करते हैं दुबई की हकूमत को जिसने अपनी इन तमाम कमजोरियों के बावजूद अपने महदूद वसाइल के अंदर रहकर अपनी जहानत और मजबूत कुव्वत इरादी से एक अनोखे तरीके से दुबई को ऐसे इनकम जनरेटर पॉइंट्स मुहैया किए जिसने दुबई को दुनिया के अमीर तरीन शहरों की फहरिस्त में ला खड़ा किया है जो दुनिया के बहुत से बड़े शहरों के पास इस वक्त भी मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी आने वाली नस्लों को तौफीक दे कि वो अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ अपनी मुल्क और कौम के लिए फलाह का बायस बने बल्कि अपने वसाइल को दूसरी कौमों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करने वाली कौम बनकर दुनिया के सामने पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करने में कामयाब हो सकें। आमीन सुमा आमीन।